दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आप भी फोन पे यूज करते हैं तो उसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं। तो आपको ओपन करना है अपना फोन पे और उसके बाद आपको ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा माई मनी पर, आपको क्लिक करना है। माई मनी पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा तीन पहले से ही बैंक ऐड है तो मेरे को अब चौथा करना है। तो इसके लिए चौथा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। कौन सा बैंक आपको ऐड करना है वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे को कैनरा का करना है तो मैं कैनरा पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे वेट करेंगे आपको यहाँ पर देखिए एक्टिवेट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं। बट अगर मैं इसका पासवर्ड भूल गए हैं या आपको याद नहीं है तो आपको रिसीट पिन पर क्लिक करना है। और उसके बाद अपना कार्ड का नंबर डालना है, जैसे कि आपका जो भी एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट होगा आपको ऊपर डालना है। उसके बाद 05 है तो मैं 05 mm में डालेगा और YOY में 23 डालेगा। तो आपका जो भी होगा आपको डाल देना है। चलिए मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। देखिए यहाँ पर जो भी OTP आएगा, आपको हो सकता है कि ऑटोमेटिक कभी कभी फिल हो जाए। अगर मैं वरना नहीं फिल होता तो आप मैनुअली फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेट UPI पिन पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको आपको कैसे पिन सेट करना है, जैसे कि मेरे को 9519777, ठीक है, मैं पिन सेट कर लेता हूँ। तो आपको आपको याद करके रखना है। उसके बाद आपको हो सकता है कि 4 डिजिट का भी मांगे और 6 डिजिट का भी मांगे। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जो मैं 9519777 लगाया हूँ फिर से मेरे को वहाँ पर लगाना है। आप लोग जो याद करके रखना होगा वो लगा लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए आपको कुछ देर वेट करना है। देखिए यहाँ सक्सेसफुल सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, डन पर क्लिक कर देना है। अब डन पर जैसे क्लिक किया हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पे केनरा बैंक भी आ गया। अभी अगर मैं मेरे को बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक पर क्लिक करेगा तो भी मेरे को अब जो मैं पिन लगाया हूँ इसका UPI पिन 9519777, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखा देगा, जो भी होगा 2 रुपया, 10 रुपया या 2000 या 10 लाख भी होगा। तो इसमें जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो 100% है कि आपको दिखाना ही दिखाना है उसको। तो वेट कीजिएगा, थोड़ा लोडिंग उठाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 483 रुपया है मेरे अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही मैं जितने भी बैंक का मैं जो भी लगाया हूँ वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो आप लोग एक तो तरीका ये हुआ, अगर मैं फिर से आपको बैंक जाके और फिर से बाई चांस इसमें आते हैं तो अब आपको कैसे करना है। तो आपको होम पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर बैंक बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर कितना बैंक ऐड करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं आप अगर मैं जो भी जिसका भी चेक करना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और जो आपका UPI पिन है वो डालिएगा, बैलेंस चेक हो जाएगा। तो आप लोग अपना फ़ोनपे में अपना बैंक अकाउंट ऐड इस तरह किया जाता है। बट आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए तभी आप ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।